डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा पहुंचकर जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने व्यवस्थाओं को परखने के साथ साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी हालचाल जाना। आगरा मंडल के प्रभारी मंत्री बनाए गए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार आगरा पहुंचे, जिनका जगह जगह कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बता दें, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा भ्रमण के दौरान जिला अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ऑक्सीजन प्लांट और उसके संचालन को लेकर अस्पताल के सीएमएस से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल परिसर में बने एनआरसी का भी निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत की और उनका हाल चाल जाना। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य फिलहाल संतुष्ट नजर आए। सबसे पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कई मरीजों से इलाज ठीक चल गया, इसके बाद रेडियोलॉजी गए, बाकी व्यवस्था ठीक पाई गई है, इसके बाद एनआरसी गए, एनआरसी में कई सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया। क्या पूछा बच्चों ने? बच्चों की माँ, बच्चे तो छोटे रहे तो उनकी माँ से पूछा गया कि क्या परेशानी, तो बताया गया कितने तक भर्ती रहना होता है, पैसा भी मिलता है 50 रुपये रोज के हिसाब से, 14 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती रखना पड़ता है, 700 रुपये उनकी मदद से जॉब पर चले जाते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन प्लांट पे गए तो पूछ रहे थे कहाँ से लगा, कैसे लग रहा है, कितना हुआ। डीजी माजा न्यूज़ के लिए देवेश दीक्षित की रिपोर्ट।